एवरीवन, रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 51। ऑलरेडी हमने 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस स्लाइड को स्टार्ट करने के पहले मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ज्यादा कोशिश करनी भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर को आपने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार तो आपने रिवीजन किया होगा, 2-3 बार तो आपके यूनिट टेस्ट हो गए होंगे स्कूल में। स्टिल वो बच्चे जिनको लगता है कि हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, MCQs में क्या पूछ लेगा, कहाँ से पूछ लेगा, तो उन सबके लिए ये जो हम कर रहे हैं सीरीज, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चलें शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 51, मेरा सबसे पहला, जो मैंने पहले वीडियो में भी जो बात बोली थी कि सबसे पहले ध्यान से सबको पढ़ना है क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा उसका आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट मतलब उसमें से सही क्या है। देखो कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछ लेगा, तो यहाँ पे फोकस डालना है ऐसे आंखों से कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो, तो ठीक है हम करेक्ट चूज करेंगे, हम वैसे भी गलत बात नहीं करते। पहला है हेटरोटॉप्स, हेटरोट्रॉप्स मेक देयर फूड। गलत बात, हेटरोट्रॉप्स कभी खाना नहीं बना सकते, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मेक फूड। जब फूड ही नहीं बनाते हैं तो सोलर एनर्जी क्यों ही करेंगे ना ट्रैप। गलत बात, हेटरोट्रॉप्स डू नॉट मेक देयर फूड। ऐसे करके क्या हो जाएगा, स्माइली आ जाएगी चेहरे पे, ऐसे खूब बड़ी सी स्माइली, बिकॉज ये ऑप्शन करेक्ट है। हेटरोट्रॉप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे सही मान लेते हैं, तब तक जब तक चौथा ऑप्शन ना पढ़ लें। हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग CO2 एंड वाटर इंटू कार्बोहाइड्रेट्स। गलत बात, वो बिल्कुल ही इनकैपेबल होते हैं। अगर इतनी कैपेसिटी होती तो वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना फूड खुद ही बना लेते। तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। कितना ईजी है, देखो कितना सरल है, सारे ऑप्शन को पढ़ना है फिर उसमें से एक सही चूज कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको हटा दूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है, अबाउट ऑटोट्रॉप इज इनकरेक्ट। देखो ऐसे ही मैंने दो क्वेश्चन क्यों डाले हैं इसमें, क्योंकि वो नॉट करेक्ट, इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन में रहेगा, उसी पे आपको करना है फोकस और उसी के बेसिस पे आपको मिलेगा आपका करेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट बात, कौन सी बात गलत है, ये हमें सोचना है। तो इन गलत बात को सोचने के लिए हम उसमें से सही बात को चूज कर लेंगे, तो बाकी वैसे भी पता चल जाएगा क्या गलत है। तो वन बाय वन, दे सिंथेसाइज, हु इज दे, ऑटोट्रॉप, कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग CO2 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सही बात है, ऑटोट्रॉप है तो खाना बनाएगा, ये तो सही बात हो गई, दिस इज करेक्ट, आई विल राइट सी। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही बात है, क्योंकि अगर प्लांट है तो वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में रखता है, और अगर वो एनिमल है तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखता है। तो ये तो एकदम सही बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसमें भी आई विल राइट सी। दे कन्वर्ट CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन टू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या हो रहा है गोलमाल, जब सनलाइट ही नहीं रहेगा तो कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ये हो गई इनकरेक्ट बात, तो आई विल राइट आई। चौथा ऑप्शन, दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। दे यहां मतलब ऑटोट्रॉप, तो ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद से बना सके, तो वो पहला ही ट्रॉपिक लेवल में रहेंगे। ये क्वेश्चन आपका आर एनवायरनमेंट से भी एक तरह से कवर करता है, दैट हु इज द फर्स्ट, हु इज टेकिंग फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, तो वो हमेशा प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड देन डीकम्पोजर, तो ये बात भी करेक्ट है। तो सी सी सी, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी तो करेक्ट है, बट ऑप्शन नंबर सी तो इनकरेक्ट है, और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। कितना इजी है, इजी है, इजी है ना, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। ऐसे
डीप ब्रीथ, क्वेश्चन को पढ़ना है. विच ऑफ दीज रिएक्शंस अकर्स इन फोटोसिंथेसिस. इसके लिए आपको होनी चाहिए पूरे फोटोसिंथेसिस का फिल्म, आपकी पूरी तैयार होनी चाहिए. ठीक है, कौन है हीरो, कौन है विलन और क्या होगा क्लाइमैक्स. तो CO2 इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज. वाटर इज रिड्यूस्ड एंड CO2 इज ऑक्सीडाइज. CO2 एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज, CO2 एंड वाटर आर रिड्यूस्ड. तो पहले ध्यान से सुनो बच्चों, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गेट लॉस्ट, क्योंकि एक को होना है रिडक्शन, एक का होना है ऑक्सीडेशन. तो CO2 वाटर बोथ ऑक्सीडाइज ना, CO2 एंड वाटर बोथ रिड्यूस ना, ये दोनों ऑप्शन हो गए रॉन्ग. अब यहां चूज कैसे करेंगे, देखो CO2 जो होता है C6H12O6, ये जो है ये बनता कैसे है, CO2 प्लस H2O प्लस यहां होगा सनलाइट और यहां पे मैं लिखूंगी नीचे क्लोरोफिल. क्लोरोफिल है समथिंग जो कि ग्रीन ग्रीन कलर का है. अब देखो CO2 और H2O, ये जो CO2 है ये बना देगा यहां C6H12O6 और ये वाटर जो है ये टूट के बनाएगा क्या बनाएगा क्या बनाएगा क्या बनाएगा O2. ठीक है, प्लस एक मिनट यहां पे इसको कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो. ग्लूकोज प्लस वाटर, नॉट वाटर, ऑक्सीजन, सॉरी वाटर तो हमारा स्प्लिट हो गया. तो अब हमें जानना क्या है कि जो CO2 है वो हमेशा रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज में. CO2 इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन. डन, आगे बढ़े. चलो टाइम ज्यादा नहीं बर्बाद करना है बिकॉज टाइम इज प्रेशियस. कार्टिलेज फाउंड इन विंड पाइप, ये यहां से विंड पाइप आपकी स्टार्ट होगी, ऐसे नोजी है, नोजी के अंदर आपको फेरिंग्स मिलेगा, यहां से आपकी विंड पाइप होगी जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया. उसमें होता है कार्टिलेज, सी शेप का कार्टिलेज होता है जिसको डायग्राम अभी भी नहीं याद आ रहा है वो याद करो, ऐसे ऐसे करके उल्टा उल्टा सी शेप का होगा और फिर ये ट्रेकिया आगे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा और इधर से आएगा बनेगा लंग्स. इतने पॉइंटेड भी लंग्स नहीं होंगे कि किसी का डायग्राम ये ऐसे थोड़ा सा होगा. ठीक है, तो ये जो है ट्रैकिया, इसमें होते हैं सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग जो कि जब हम बहुत तेज से ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं तो वो कोलैप्स होने से इस ट्रैकिया को बचाते हैं. अब क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपको ओलंपियाड लेवल या हाई लेवल का भी है और चूंकि इससे आपको ये भी पता चलता है कि बेसिक क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं. सो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो है हायालिन कार्टिलेज. द कार्टिलेज, ये नीट का क्वेश्चन है, द कार्टिलेज दैट इज फाउंड इन द ट्रेकिया दैट इज फाउंड इन द विंड पाइप इज हायालिन कार्टिलेज. सबको आ गया समझ में, बाकी का तो नाम ही अजीब है, सायालिन, टायालिन, थोड़ा मायलिन जो है मिलता जुलता है माइलिन शीथ से जो कि नर्व सेल का पार्ट है, बट स्टिल द बेस्ट ऑप्शन इज द वेरी 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 करेक्ट आंसर इज हायालिन कार्टिलेज. एकदम दिमाग में फीड कर लो. थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन. फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर. आयोडीन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का. ओ नो 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 नो, क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है. अच्छा, मुझे लगा कि ये केवल ऐड कर रहे हैं, नहीं. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर. राइस वाटर जो ना थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट होगा, उसमें थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया आयोडीन सोल्यूशन. सोल्यूशन ऐसे जादू, जय काली जय काली जय काली जय काली, किस कलर का हो गया, ब्लू और ब्लैक कलर का हो गया. सब लोग ऐसे हैरान हो गए कि कैसे इसका कलर चेंज हो गया. तो ये जो कलर चेंज हुआ है राइस वाटर का, ये क्या बताता है. साइंस में कुछ भी जय काली महाकाली कुछ नहीं होता है, सब कुछ रिसर्च बेस्ड है. तो जो राइस वाटर है उसके पास है स्टार्च. स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. तो जो कार्बोहाइड्रेट दुनिया में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, उनका काम क्या है कि वो जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन के संपर्क में आएंगे, जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तुरंत उनका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक. डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा है ये, इसीलिए एनसीईआरटी के एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार बोल रही हूं कि एनसीईआरटी से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेगा. ओके,
क्वेश्चन नंबर 56, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस देखो, माउथ है, स्टमक है, मतलब डाइजेशन की बात हो रही है। सिंपली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम आपके दिमाग में अगर है तो फटाफट उसी सीक्वेंस को आप चूज कर लो। माउथ, माउथ के बाद फूड हो जाएगा हमारा, स्टमक में, स्टमक में नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गया भाड़ में। सीधे माउथ के बाद कहाँ जाएगा फूड? भाड़ में मतलब कि रिमूव कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। भाड़ में मतलब, भाड़ में मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं है। माउथ के बाद होगा एसोफेगस, सही बात है, अभी तक तो सही बात दोनों कर रहे हैं, सही बात। सो माउथ एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आएगा हमारा स्टमक, ठीक है, अभी तक बी और डी दोनों सही बोल रहे हैं। स्टमक के बाद सीधे आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, बी बोलता है और डी ऑप्शन बोलता है, स्टमक के बाद आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा सही है, कौन सा आंसर सही है? सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो पहले होगा माउथ, फिर होगा एसोफेगस, फिर होगा स्टमक, फिर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो कितना इजी सीक्वेंस है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज के भी फॉर्म में पूछ लेंगे, इसीलिए हम कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस। इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, आपका जो ये माउथ है उसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज जो कि सलाइवा में होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है, इज लैकिंग मतलब गायब नहीं है, तो विच ऑफ द इवेंट इन माउथ विल बी अफेक्टेड, किसमें से, चारों में से कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा? तो देखो ध्यान से, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इंटू अमाइनो एसिड, तो सलाइवा के अंदर ये जो अमाइलेज होता है सलाइवरी अमाइलेज, पहले तो ये दिमाग में भर लो अपने कि ये स्टार्च पे काम करता है, स्टार्च गेट्स ब्रोक डाउन या ब्रेक डाउन, तो यहां तो बात प्रोटीन की बोल रहा है ना ऑप्शन नंबर ए, तो गलत बात, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर ये सही है, क्योंकि ये अमाइलेज जो है वो स्टार्च पे ही काम करता है, तो जब अमाइलेज नहीं रहेगा तो किसका ब्रेक डाउन, किसका तोड़ फोड़, किसका फंक्शन अफेक्टेड होगा, स्टार्च का, स्टार्च जो हम खाएंगे वो डाइजेस्ट माउथ में नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। दो ऑप्शंस को देख लेते हैं, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड नहीं, फैट पे भी काम नहीं करता है अमाइलेज, ना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन करता है, गलत बात, अमाइलेज का काम ही है कि वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में, माल्टोज को और छोटा छोटा ब्रेक डाउन करके शुगर में बना देता है, तो फॉर दिस रीजन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो हंसी हंसी में 57 क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 58, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, अच्छा स्टमक, पहले मैं बनाऊंगी स्टमक, ये देखो ऐसे हो गया बैग लाइक, और इधर से इसका निकलेगा ड्यूओडेनम, ये देखो, ठीक है, तो अभी ये स्टमक है, स्टमक की जो इनर लाइन है, इनर मतलब अंदर की, ये जो इनर लाइन है इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो ये जो इनर लाइन है इस स्टमक में रिलीज होता है एक एसिड जिसको हम कहते हैं HCl, ये HCl डाइल्यूट होता है, कंसेंट्रेटेड होगा तो पेट हमारा जल जाएगा, तो हमेशा एसिड जो बॉडी में है वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, डाइल्यूट अभी बताया था जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो अब ये हो गया हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बहुत ज्यादा रिलीज होगा, सपोज आपको भूख लगी और आप खाना नहीं खा रहे हो, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, कुछ मूवी देख रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि आप अपना फूड, अपना लंच, अपना डिनर स्किप मार दे रहे हो, तो उस समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो काम है रिलीज होना, वो तो अपना परफेक्ट मस्त तैयार होकर आएगा स्टमक में और किसको खोजेगा, फूड को खोजेगा कि चलो आओ डाइजेशन शुरू करते हैं, बट आपने तो खाना ही नहीं खाया है। तो ऐसे केसेस में जब बच्चे या फिर एडल्ट्स या ओल्ड एज पीपल अगर अपना खाना स्किप करते हैं तो जो एक्स्ट्रा डाइल्यूट एसिड जो रिलीज होता है वो हमारे लिए हो सकता है डेंजरस, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको फूड नहीं मिलेगा तो वो अपने स्टमक के सेल्स को ही खाना शुरू करेगा, जिसको हम कहते हैं अल्सर, एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है। तो ये ऐसा ना होना होने पाए, नॉर्मली हमारी बॉडी ऐसा क्या रिलीज कर देगी स्टमक कि डाइल्यूट HCl जो है अगर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उससे हम अपने स्टमक को कैसे बचाएं। तो इसमें देखो ध्यान से, म्यूकस होगा करेक्ट आंसर। कैसे होगा करेक्ट, पहले सारा ऑप्शन देख लेते हैं, सलाइवरी अमाइलेज तो होगा माउथ में रिलीज, तो इसका क्या काम स्टमक से, पेप्सिन जो होगा वो गैस्ट्रिक जूस में रिलीज तो होगा बट इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, बेटा ये अपना अपना काम करेंगे,
बाइल जो होगा वो लीवर से रिलीज होकर सीधा चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे सबको करना है डाइजेशन, बट म्यूकस एक ऐसा होता है लेयर जो कि डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, बट उसका मेन काम ये है कि स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है उसको रप्चर नहीं होने देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ऐसे बचा देगा, ठीक है, दैट इज म्यूकस। डन 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 डन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर? मैंने तो बता दिया है आंसर लास्ट क्वेश्चन में ही, लीवर। देखो ऐसा होता है ट्रायंगुलर शेप का और थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, मैंने येलो बना दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं ब्राउन कलर है क्या अपने पास, है तो कलर्स तो हैं हमारे पास। ये देखो ये ब्राउन कलर का हो गया लीवर, अब इसमें से रिलीज होगा बाइल जूस। तो विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर? अब ये जो लीवर है जिसके पास है बाइल जूस, ये बाइल जूस ये हमेशा अपने पास थोड़ी ना रखेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ये शेयर करेगा अपना जूस ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उन सबका डाइजेशन बराबर हो सके। तो ये बाइल जूस चले जाएंगे सीधे कहाँ? लीवर, और एक ऑर्गन और था अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पैनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अबव स्टमक, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। तो बाइल जूस, मेरी उंगली दिख रही है, और पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों जूस किधर जाएंगे? बी फॉर बाइल, पी फॉर पैनक्रियाटिक, ये दोनों जूस जाएंगे सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ऐसे ऐसे मुड़ा मुड़ा ऐसे ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर है, ये दोनों सीधा वहीं पहुंचेंगे और वहीं पे अपना डाइजेशन का काम शुरू कर देंगे। तो कौन सा पार्ट रिसीव करता है बाइल जूस? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी में अगर क्वेश्चन एक और बता देती हूँ, आ सकता है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल रिसीव पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, तो भी आपका आंसर होगा, ये वाली ट्रिक याद कर लेना, बाइल पैनक्रियाज दोनों जाएंगे कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके फाइन, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियोस। फिर से पूछ लिया पाथवे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज, एनएरोबिक का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ईस्ट में हो रहा है तो ध्यान दो ईस्ट प्लांट है या एनिमल है? प्लांट है। अगर एनिमल में होता तो मैंने बताया था ना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एनिमल्स लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो जहां जहां लैक्टिक एसिड है वो तो ऑप्शन ही गलत हो गया ना, क्योंकि बात तो एनिमल की हो ही नहीं रही है, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ईस्ट की, तो जहां जहां लैक्टिक एसिड है उस ऑप्शन को काट दो, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही चला गया हमारा, गेट लॉस्ट। अब बचा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरुवेट, पाइरुवेट कन्वर्ट होगा CO2 में, CO2 प्लस इथेनॉल प्लस एनर्जी। और ऑप्शन डी बोलता है ग्लूकोज होगा पाइरुवेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल। अब चूंकि यहां तक तो दोनों सही है, अब ये एनर्जी इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो ऑलवेज रिमेंबर ईस्ट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, हमेशा ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और अब मैं बनाऊंगी इतनी बड़ी सी स्माइली, और इसी स्माइली के साथ सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। टिल देन आई विल वंस अगेन कम विद क्वेश्चन नंबर 61 to 70। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, रिवाइज क्या करना है, फटाफट 2 मिनट में देख लोगे सारे आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।